हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रेसअप विद प्रीत, जहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ हॉल वीडियोस एंड स्टाइलिंग वीडियोस। आज की वीडियो जो है मिंत्रा हॉल वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपसे फुटवेयर, ट्राउज़र, स्कर्ट, टॉप और कार्गो पैंट्स जो है शेयर करने वाली हूँ। मैंने ये सारे ही प्रोडक्ट्स अभी रिसेंटली जो मिंत्रा पे सेल निकली है मैंने उसके टाइम पे मंगवाए थे, लेकिन वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं अब वीडियो शूट कर रही हूँ और सारे ही प्रोडक्ट्स आपसे शेयर करूँगी जो जो मैंने मंगवाए हैं। इन सब के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आई डी dressup.preet। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट पीस जो मैंने लिया है वो मैंने ये ब्लैक कलर की फ्लोरल प्रिंट वाली स्कर्ट ली है। पूरे के ऊपर जो है इस तरीके से फ्लोरल प्रिंट बना हुआ है। ए लाइन के अंदर ये स्कर्ट है। फ्रंट में जो है इसके काफ़ी अच्छा जो है स्लिट दे रखा है। मेरे को जो है ये नी लेंथ से ऊपर, हल्का सा नी से ऊपर जो है ये कट आ रहा था। पीछे जो है इसके ना ऐसे जिप की क्लोज़र दे रखी है। आप इसको जो है टाइट पहन सकते हैं, जो आप जिप से इसको बंद या खोल के पहन सकते हैं। एक सेकेंड मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरीके से जो है इसके जिप दे रखी है। फैब्रिक जो है इसका क्रेप मटेरियल है, बहुत अच्छा क्रेप मटेरियल है। बहुत लाइट वेट स्कर्ट है, समर्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। इसके पूरे पे आगे भी पीछे भी इस तरीके से जो है इसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट हो रखा है। मेरे को ये जो है ना एंकल लेंथ आ रही थी, ना ये मैक्सी लेंथ है ना ये काफ लेंथ है, एंकल लेंथ स्कर्ट है। मेरी हाइट 5'3" है, 5'3" के अकॉर्डिंग मेरे को एंकल लेंथ आ रही थी। अगर आपकी हाइट लंबी है तो इसकी हाइट लेंथ छोटी हो जाएगी, छोटी हाइट है तो आपकी एक मैक्सी स्कर्ट बन के आराम से आ जाएगी। ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। साइज़ मैंने 28 लिया है और ये है इसका बैंड जो है वो है बेरी लश। सेकेंड स्कर्ट जो मैंने ली है, अगेन इस तरीके से समरी वाइब्स वाली फ्लोरल प्रिंट के अंदर ली है, क्योंकि समर्स में ना इस तरीके की स्कर्ट्स ही जो है वो बहुत सही लगती हैं पहनी हुई। ये है फ्रॉम द ब्रांड टोक्यो टॉकीज, अगेन स्मॉल साइज़, 28 वेस्ट। आगे से ना इसके ऐसे जो है रंच की डिटेल दे रखी है फ्रंट के अंदर। इस तरीके से ये स्कर्ट है। ये मेरे को जो है नी लेंथ आ रही थी। पूरे पे इस तरीके से फ्लोरल प्रिंट हो रखा है आगे भी और पीछे भी। अगेन इसके साइड में भी इस तरीके से स्लिट दे रखा है। इसका फैब्रिक जो है क्रेप मटेरियल है। प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं बहुत अच्छा क्रेप मटेरियल है, लेकिन अच्छा क्रेप मटेरियल है। क्वालिटी इसकी ठीक ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आई गेस और कलर्स भी अवेलेबल थे। इसमें भी जो है ना ऐसे साइड पर जिप दे रखी है। जिप थोड़ी सी टाइट है, बार बार पहनेंगे तो थोड़ी लूज हो जाएगी। इस तरीके से साइड पे इसके जिप दे रखी है। कपड़ा ठीक ठाक है। आप ट्राई ऑन में देख लो किस तरीके की लग रही है। नेक्स्ट जो मैंने ली है वो मैंने ये शर्ट ली है वाइट कलर के अंदर। गर्मियों में तो वाइट कलर की शर्ट्स पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। इस तरीके की ये कॉटन मटेरियल के अंदर स्लीवलेस शर्ट है। आगे से जो है ना इसके ऐसे ड्रॉ स्ट्रिंग की डिटेल दे रखी है पूरी। आप इसको जो है इस तरीके से टाइट लूज करके आगे से डिज़ाइन बना के पहन सकते हैं। पीछे से बहुत सही डिज़ाइन है इसका। पीछे से जो है यहाँ पे ऐसे आपको स्मॉकिंग की डिटेल दे रखी है। कमर पे बहुत अच्छे से फिट हो रही थी मुझे, इसकी फिट बहुत प्यारी लगी है शर्ट की। चाहे आप इसको जो है आगे से टाइट करके पहन लो, चाहे ऐसे नॉर्मली पहन लो, अच्छी लगेगी। कॉटन मटेरियल है 100%, गर्मी के अकॉर्डिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट, बिल्कुल परफेक्ट। साइज़ मैंने इसमें स्मॉल लिया है जो कि मेरा 34 बस्ट साइज़ है। आप इसका जो है ना साइज़ चार्ट रेफ़र कर लेना, आपको अपनी बस्ट के अकॉर्डिंग जो साइज़ आता है आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो भी शर्ट स्टाइल टॉप है। इस तरीके से रेड कलर के अंदर टॉप है, छोटे छोटे फूल बने हुए हैं। आगे ऐसे बटन डाउन शर्ट की तरह है, बटन की डिटेल है। पफ्ड स्लीव्स है, स्लीव्स पे इस तरीके से इलास्टिक दे रखी है। कॉलर पे जो है ना इस तरीके से क्रोशिया वर्क दे रखा है इसका। अगेन समर्स हैं, समर्स में अंदर तो ऐसे फ्लोरल कलर प्रिंट फैब्रिक हो गए और फ्लोरल फ्लोरल कपड़े हो गए आपके, ऐसे सुंदर सुंदर से कलर्स जो हैं गर्मियों में पहने में बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत आपको ना कूल सी लुक देते हैं। इस तरीके से ये है आगे से और पीछे से इस तरीके की है। कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, सब जगह पहन सकते हैं, सब जगह चल जाएगी। ये है फ्रॉम द ब्रांड मार्टिन हार्बर, अगेन स्मॉल साइज़ के अंदर। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये ब्लैक कलर का कार्गो पैराशूट पैंट्स। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। मिंत्रा पे भी मेरे को बहुत बहुत स्टाइल की बहुत अलग अलग कलर्स के अंदर पैराशूट पैंट्स अवेलेबल दिख रही थी, लेकिन मुझे ब्लैक कलर चाहिए था क्योंकि ब्लैक कलर सबके साथ चल जाता है, सुपर वर्सटाइल होता है, तो मुझे मैंने ब्लैक ही लिया। इस तरीके से ये पूरा आपका ट्राउज़र कार्गो पैंट्स है। नीचे ऐसे जो है टाइट करने के लिए ये इलास्टिक दे रखी है। वेस्ट पे भी ऐसे ड्रॉ स्ट्रिंग दे रखी है और उसके अलावा साइड पे इसके यहाँ पॉकेट दे रखी है।
यहाँ पे भी पॉकेट दे रखी है, मतलब इसके अंदर 4 पॉकेट्स हैं टोटल, और ड्रॉ स्ट्रिंग की डिटेल दे रखी है। कपड़ा इसका पैराशूट फैब्रिक है पॉलिएस्टर के अंदर, कपड़ा बहुत सही है, गर्मी नहीं लगेगी आपको इसके अंदर पहने हुए, मुझे बहुत सही लगा। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत सही है। ये है फ्रॉम द ब्रांड रोडस्टर और मैंने इसमें स्मॉल साइज़ लिया है। प्राइस जो है ना सबके आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे कितने के रहे, मुझे ऐसे ना प्राइस किसी का भी याद नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, अराउंड 700 या 750 के आसपास का मैंने ये कार्गो पैंट्स लिए हैं। आपको अच्छा लगता है आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर ना एक ऑफ वाइट आई गेस ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर जो होता है ना वो भी अवेलेबल है, अगर आपको वो लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि फैब्रिक दोनों का सेम होगा, बस उसके अंदर कलर का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट इज दिस, नेक्स्ट मैंने ये टॉप लिया है ब्लैक कलर के अंदर, बहुत बेसिक सा टॉप है, बहुत बेसिक है, बहुत चीज़ों के साथ आपका चल जाएगा। इस पर जो है ना ऐसे जो है डिटेल दे रखी है ना, ये फैब्रिक ऐसा जो इसका स्किफी ऐसा कुछ उसको फैब्रिक बोलते हैं, क्रोशिया वर्क टाइप वाला वैसा इसका फैब्रिक है, वैसा पैटर्न दे रखा है। साइड से जो है इसके ऐसे इलास्टिक दे रखी है दोनों तरफ, बहुत प्यारा है। स्ली मतलब इजी ब्रीजी टॉप है, गर्मी के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया है, पीछे से इस तरीके से है। इसमें मैंने ना स्मॉल साइज़ लिया क्योंकि आई गेस इसका 34 बस साइज स्मॉल साइज़ ही था, तो आप इसमें सॉरी मैंने मीडियम साइज़ लिया है क्योंकि इसका जो बस साइज़ है ना वो 34 मीडियम के अंदर ही था आई गेस। तो अगर आपको ये भी पसंद है चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है अगेन मैंने ब्लैक कलर का ही टॉप लिया है, बहुत सही टॉप है, ये फुल स्लीव टॉप है, आगे ऐसे रस्टेड डिटेल दे रखी है, गैदर्स की डिटेल दे रखी है फ्रंट के अंदर ना, इस तरीके से फुल स्लीव्स का टॉप है। फैब्रिक जो है इसका लाइक्रा मटेरियल है, जो मैंने पिछला ब्लैक टॉप आपसे शेयर करा उसका भी फैब्रिक लाइक्रा मटेरियल है, इसका भी लाइक्रा मटेरियल है। इसमें मैंने लिया है मीडियम साइज़, मुझे परफेक्टली फिट हो रहा था ये, आगे से ऐसा है, पीछे से सिंपल है, पीछे से इसके कुछ नहीं बना हुआ, आगे जो है रस्ट डिटेल दे रखी है, ज़्यादा सी थ्रू नहीं है, ब्लैक कलर है तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्राई ऑन और प्राइस इसका भी जो है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगले दो प्रोडक्ट्स जो है ना वो मैंने फुटवियर्स लिए हैं, दो फ्लैट्स लिए हैं मैंने, एक ये ब्लैक और एक ये वाइट, वाइट और ऑफ वाइट दोनों जो है आपके बहुत सारे चीज़ों के साथ चल जाएंगे, बहुत वर्सेटाइल है। फर्स्ट वन इज़ दिस, ये मैंने दोनों ही ना वैन ह्यूसन ब्रांड से लिए हैं, आगे से ना मैंने इसको बहुत बार पहन लिया और मेरे बहुत वर्सेटाइल है, मेरे बहुत चीज़ों के साथ, इनफैक्ट ट्राउज़र हो गए, सूट हो गए, जीन्स हो गए, सबके साथ ये जा रहा था, बीट वेस्टर्न बीट इंडो वेस्टर्न सबके साथ ये चप्पल चल रही थी, फ्लैट्स चल रहे थे। इस तरीके से ये आगे से इसका डिज़ाइन दे रखा है, गोल्डन कलर का बकल दे रखा है, बहुत इसकी बहुत हल्की सी ऐसे हील दे रखी है, बहुत लाइट सी मिनिमल सी, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लग रहा था पहना हुआ ये, मुझे तो बहुत सही लगा है। मैंने इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ पहन लिया और सबको अच्छा लग रहा था पहना हुआ ना, बहुत डिसेंट, बहुत अच्छी सी क्वालिटी है। फैब्रिक भी इसका जो ये जो मटेरियल दे रखा है ना ये भी मटेरियल अच्छा है और ये भी ना काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो मैंने स्लीपर्स लिए हैं ना फ्लैट्स लिए हैं वो मैंने ये ब्लैक वाइट कलर के अंदर लिए हैं, वैन ह्यूसन ब्रांड के ही हैं। साइज़ मैंने जो है इसके अंदर 39 साइज़ लिया है जो कि आगे 6 नंबर होता है। आगे से ऐसे नेट नेट की डिटेल दे रखी है ना यहाँ पे, और क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी क्वालिटी है। ये भी आपका जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ चल जाएगा, बहुत वर्सेटाइल है, बी इट सूट बी इट आपका इंडो वेस्टर्न वेस्टर्न दोनों के साथ चल जाएगा, चाहे इंडियन वियर हो किसी भी स्टाइल के साथ आप इसको पहन सकते हैं, बहुत प्यारी लगेगी पहनी हुई। अगला प्रोडक्ट जो लिया है मैंने वो मैंने लिया है ये ब्लैक कलर का, बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही क्लासी ट्राउज़र, एक वेस्ट साइज़ 28 के अंदर। मैंने अब तक का जितने भी मैंने बहुत सारे ट्राउज़र्स ना मिंत्रा से लिए हैं, लेकिन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट फिट सबसे अच्छा ट्राउज़र मुझे ये लगा है। इस तरीके से ये आपका ट्राउज़र है, फ्लेयर्ड के अंदर नीचे से इतना इसका खुला है, ऊपर पूरा फिटेड है, आगे ना प्लेट्स दे रखी हैं ताकि आपके स्टमक एरिया पे अच्छे से फिट आ जाए। क्लोज़र ओपनिंग जो है ज़िप की क्लोज़र ओपनिंग है, ज़िप से आप इसको टाइट मतलब पहन सकते हैं, और कुछ नहीं है, बस साइड पर ज़िप दे रखी है। फैब्रिक अगेन इसका बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्रेप मटेरियल है, मुझे बहुत सही लगा है पहना हुआ ट्राउज़र, ये मुझे बहुत ही अच्छी लुक दे रहा था। मैंने इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ पहना है, मैंने इसको इंडो वेस्टर्न टॉप के साथ भी पहना है, मैंने इसको क्रॉप टॉप के साथ भी पहना है, मैंने इसको शर्ट के साथ भी पहना है, ये सबके साथ जा रहा था, सबके साथ चल जाएगा आपका। अगर आप कोई ब्लैक ट्राउज़र ढूंढ रहे हैं ना जिसकी फिट परफेक्ट हो तो आप आँखें बंद करके ये ट्राउज़र ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ये ट्राउज़र बहुत पसंद आया है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी क्वालिटी और प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल रेंज के अंदर ही है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो लिया है मैंने
वो है ये ब्राउन शेड के अंदर रिप्ड फैब्रिक वाला टॉप, इस तरीके से साइड पे स्लीव्स पे ना ऐसे रफल्स की डिटेल दे रखी है, राउंड इसका नेक है, क्रॉप टॉप नहीं है इसके, नॉर्मल लेंथ वाला टॉप है, फैब्रिक इसका ठीक ठाक है क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है ना, 200-250 के आसपास मैंने ये टॉप लिया है, प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी अच्छी है, पहना हुआ बहुत डिसेंट बहुत सोफिस्टिकेटेड लग रहा था। अगर आप कोई सिंपल सा कोई बेसिक सा टॉप ढूंढ रहे हैं इस कलर के अंदर तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगले दो प्रोडक्ट्स जो है ना वो भी स्कर्ट्स ही मैंने लिए हैं, मेजरली मैंने स्कर्ट्स बहुत ऑर्डर करी हैं इस बार ही ना। पहली स्कर्ट जो मैंने ली है डेनिम स्कर्ट जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है आजकल, ये है फ्रॉम द ब्रांड सेफ्रस, अगेन स्मॉल साइज 28 वेस्ट, इस तरीके की ये स्कर्ट है, ये आपकी जो है ना स्ट्रेट फिट के अंदर स्कर्ट है, इस तरीके से डिज़ाइन है, आगे जो ये बटन दे रखे हैं ना ये सारे ओपनेबल बटन से आराम से खुल जाते हैं, डेनिम फैब्रिक इसका डिसेंट डेनिम फैब्रिक है, बहुत अच्छे, आप ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा डेनिम है लेकिन डिसेंट है, बुरा भी नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है, मिडियोकर जो है वो इसका डेनिम मटेरियल है। लेंथ जो है इसकी ये मेरे को काफ लेंथ आ रही थी, नी से थोड़ी नीचे है, काफ भी नहीं है और नी भी नहीं है, नी लेंथ नी बिलो नी लेंथ इसकी लेंथ है, आगे से इस तरीके की है ये, पीछे से इस तरीके की है, कोई डेनम स्कर्ट अगर आप ढूंढ रहे हैं गो फॉर इट, अफोर्डेबल रेंज के अंदर है ना तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल पीस जो मैंने लिया है वो मैंने ये ब्लैक कलर की स्ट्रेट फिट में स्कर्ट ली है, पेंसिल फिट इसका स्कर्ट का फिट है, साइड में जो है इसके ऐसे स्लिट दे रखा है, इलास्टिकेटेड वेस्ट है, फैब्रिक इसका पॉलीएस्टर मटेरियल है, लाइक्रा पॉलीएस्टर वाला मटेरियल होता है जो थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, इस तरीके से स्ट्रेच वाला मटेरियल है, गर्मी के अकॉर्डिंग अगर ढूंढ रहे हैं तो आप जा सकते हैं इस स्कर्ट के ऊपर, मुझे अच्छी लगी है, क्वालिटी अच्छी लगी है, डिज़ाइन भी अच्छा है, पूरे पे ना ऐसे ऐसे रिब रिब वाला जो है डिज़ाइन बना हुआ है, गुड क्वालिटी है, ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो यस, ये थे आज के सारे प्रोडक्ट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है dressup.preet। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ, बाय बाय।